हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत किया जाता है। नाइट प्रेयर, जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, सब पिता परमेश्वर से बताएंगे मेरे प्रियो, ठीक है? क्योंकि पिता परमेश्वर को हमारा ध्यान है, हमें किसी मनुष्य के सामने रोने की गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। किसी मनुष्य का सहारा हमें नहीं लेना है, हमें पिता परमेश्वर के आने की सम्मुख आने की आवश्यकताएं हैं मेरे प्रियो, ठीक है? यीशु ने कहा है, जो मुझसे है प्रभु, प्रभु कहता है वह हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। मेरे प्रिय यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों से, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम मुझ पर और मेरे पिता पर विश्वास रखते हो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जाता हूँ, जगह तैयार करता हूँ, जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा है, मेरे प्रियो यीशु मसीह ने कहा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में नहीं फलती है मैं उसे काट डालता हूँ, और जो फलती है उसे और छाटता हूँ ताकि वह और फले। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, तुम मुझ में बने रहो और मेरा जीवित वचन तुम में बना रहे, तो जो मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, ठीक है, यीशु मसीह ने कहा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, कि वह मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मेरे प्रियो, तो हम सबों को तैयार रहने की आवश्यकताएं हैं, परमेश्वर के पास आने की आवश्यकताएं हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ठीक है? यीशु मसीह ने कहा था, मेरे प्रियो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं मेरे प्रियो। जो परमेश्वर ने हमें और आपको समय देता है, इस समय को कीमती समझिए, है ना? तो चलिए प्रार्थना को शुरू करते हैं। जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम है, सब पिता के सामने रख दीजिए और प्रार्थना को लास्ट तक सुनिए, मोबाइल को एक साइड में रख दे, ठीक है? चलिए प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की जय जयकार करते हैं मेरे स्वामी पिता। आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणा निधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं यीशु मसीह। पिता पिता हम धन्यवाद देते हैं मेरे राजाओं के राजा, मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो आपने पिता हम सभी मसीह भाई बहनों को पिता जीवतों के बीच में मेरे स्वामी मेरे राजा जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है मेरे पिता। इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी पिता। कितने तो होंगे पिता जो मर गए होंगे, अन्य जाति लोग होंगे, संसारी लोग होंगे, मर गए होंगे पिता और नरक में चले गए होंगे, अपने परिवार वालों से बिछड़ गए होंगे मेरे स्वामी पिता। पिता हम धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी, मेरे राजाओं के राजा, मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो आपने सभ्यों को पिता जूतों के बीच में जीवित रखा है, उपस्थित रखा है पिता शाम के वक्त प्रार्थना में पिता। इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। धन्यवादेशु धन्यवादेशु धन्यवादेशु, पवित्र पवित्र आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं यीशु मसीह पिता, आप सृष्टिकर्ता मालिक है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे राजाओं के राजा आपको दिया गया है पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, होने दे पिता परमेश्वर मेरे पिता, जो बीमार है मेरे पिता, जो बीमारी में ग्रस्त है मेरे स्वामी, जो नहीं ठीक हो रही बीमारी, चाहे जितनी गंभीर घातक बीमारी क्यों ना हो मेरे पिता परमेश्वर पिता, वो आपसे बड़ी कुछ भी नहीं है मेरे पिता, उन्हें छू लीजिए मेरे स्वामी पिता। आपका छिदवा दयना हाथ मेरे पिता परमेश्वर, दया वाला हाथ पिता, छू ले भी इसी गड़े हर एक जन को मेरे पिता, छू ले पिता यीशु मसीह अपनी सामर्थ के द्वारा पिता। आपने कहा मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा मेरे पिता, यस मेरे खुदा मन यीशु मसीह पिता, आपका झूला और हाथ दे वाला हाथ पिता हर एक जन को छू ले पिता, जो अपनी बीमारी को लेकर टूट गए हैं पिता, जो किसी बात को लेकर टेंशन डिप्रेशन में चले गए हैं मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो शादियों को लेकर टूट गए हैं मेरे स्वामी, रो रहे हैं मेरे पिता, बिलख रहे, चिल्ला रहे हैं मेरे स्वामी पिता, जो इस वक्त मेरे पिता परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को सुन रहे पिता पूरे विश्वास के साथ पिता, और लास्ट में आमीन बोलकर रसीब कर रहे मेरे स्वामी पिता, उनको टेंशन डिप्रेशन से बाहर निकल आए मेरे स्वामी, उनका रोना बिलखना चिल्लाना बंद हो जाए मेरे राजाओं के राजा पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवादेशु धन्यवादेशु धन्यवादेशु,
पवित्र पवित्र आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु यीशु मसीह पिता, अंधों को जिलाने वाले पिता, अंधों को दृष्टि देने वाले, कोढ़िये पाजों को शुद्ध करने वाले, मुर्दों को जिलाने वाले मेरे पिता आप हैं, मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपकी जितना भी तारीफ करें, जितना भी महिमा करें उतना ही कम है पिता, क्योंकि हम महिमा करने के योग्य हैं, तारीफ करने के योग्य, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य हैं मेरे पिता। पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो गरीब है मेरे पिता, जो गरीबी में जूझ रहे मेरे स्वामी ओ पिता, स्वामी के स्वामी पिता, राजाओं के राजा पिता, उनकी गरीबी को दूर कर दीजिए मेरे स्वामी पिता। ये 100-200 रुपए पर पिता इधर हाथ ना फैलाने पाए मेरे स्वामी पिता, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे राजा आपके पीछे आए हैं पिता, इनका जीवन संभाल लीजिए मेरे स्वामी पिता, ये टूटने बिखरने ना पाए मेरे राजाओं के राजा पिता। पिता आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तो मैंने खोल दिए जाएंगे मेरे स्वामी। या हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पिता आपके नाम से मांगते हैं मेरे स्वामी पिता, राजाओं के राजा पिता। पिता उनकी गरीबी को दूर कर दीजिए मेरे स्वामी, उनके घटे समस्याओं को दूर कर दीजिए मेरे स्वामी पिता, इनके घरों के ऊपर डेल दीजिए मेरे राजाओं की राजा पिता, तंगी गरीबी को दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर पिता, इनके लाइफस्टाइल को बदल दीजिए मेरे स्वामी। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। पवित्र पवित्र आप राजाओं के राजा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक है पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आपको दिया गया है मेरे पिता। जो भी पिता हम सभी मसीह भाई बहनों से मेरे पिता गलती गुना होते हैं मेरे राजा, आप माफ करें, आप क्षमा करें पिता, क्योंकि आप ही के पास ये अधिकार है मेरे पिता, आप ही पिता हम सभी के पापों को क्षमा कर सकते हैं पिता, माफ कर सकते हैं मेरे राजा, आप माफ करें मेरे पिता। आपने कहा यदि हम अपने अपराधों को मान लें मेरे पिता और दूसरे के अपराधों को क्षमा करें पिता, तो आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी ठहरेंगे। यस मेरे खुदावन यीशु मसीह पिता आपके नाम से मांगते हैं पिता, जिस प्रकार से मेरे राजा आप पवित्र हैं पिता, उसी प्रकार से पिता हम सबों को भी पवित्र बनाइए पिता, ताकि आपके सामने खड़े होने के योग्य बन सके मेरे राजा, आपके स्वर्ग में जाने के लायक बन सके मेरे पिता। हम पिता उन पांच समझदार कुंवारियों की तरह पिता तैयार रहे पिता, उन मूर्ख कुंवारियों की तरह नहीं मेरे पिता, क्योंकि पिता जब आप आएंगे तो पिता पूशी को लेकर जाएंगे पिता, जो पवित्र होगा मेरे पिता, जो इस संसार से निष्कलंक होगा पिता, जो धर्मी होगा मेरे पिता, जो तैयार होगा आपके वचन में तैयारी बना के रखा होगा पिता, वही पिता जाएगा स्वर्ग में, उसी को पिता आप लेकर जाएंगे पिता। पिता आपकी इच्छा के अनुसार पिता हम सभी मसीह भवन चलने पाए मेरे पिता, कि क्या आपकी इच्छाएं क्या योजनाएं हैं मेरे पिता। पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जिनकी शादियां नहीं होती, जिन मसीह भवनों की पिता पिता वो शादियों को लेकर टूट गए हैं मेरे स्वामी, वे शादियों को लेकर बिखर गए हैं मेरे पिता, वे टेंशन में चले गए हैं मेरे पिता, आपके वचन के अनुसार पिता अच्छा सा शादी का रिश्ता आने पाए मेरे स्वामी, राजाओं के राजा पिता, इधर उधर ताक झाक में ना लगे रहने पाए पिता, शैतान इन्हें नरक में ना ले जाने पाए मेरे स्वामी मेरे राजा पिता। शैतान फाड़ना नोचना चाहता है पिता, वह इसी खोज में रहता है पिता, किसको फाड़ खाए मेरे पिता। पिता आपने कहा है तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने सिंह के समान इसी खोज में रहता है, किसको फाड़ खाए मेरे स्वामी पिता। शैतान की युक्त योजनाओं को पिता आप कैंसिल कर दीजिए मेरे स्वामी, खंडित कर दीजिए, विफल कर दीजिए यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से पिता। अपनी करुणा के अनुसार पिता अनुग्रह कर, दया कर पिता परमेश्वर, दया कर दे पिता परमेश्वर पिता। पिता हम मनुष्य जाते हैं पिता, पाप में गिर सकते हैं, बिखर सकते हैं पिता, मनुष्य कमजोर है मेरे पिता, आपने कहा है जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा मेरे पिता। यस मेरे पिता परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी, राजाओं के राजा पिता, जो आपने पिता हम सबों को पिता संसार से चुनके अलग कर दिया है मेरे स्वामी, अलग कर दिया पिता, अंधकार से चुनकर ज्योति में कर दिया है मेरे पिता, इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता। पिता आपने कहा है जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे आएगा वह अंधकार में चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु पिता, मुर्दों को जिलाने वाले, अंधों को दृष्टि देने वाले, कोढ़िये पाजियों को शुद्ध करने वाले पिता, गूंगों को बोलने की सामर्थ्य देने वाले, बहरों को सुनने की सामर्थ्य देने वाले पिता, आप यहोवा जुलावर हैं मेरे पिता, आप जलाली परमेश्वर हैं पिता। पिता पवित्र आत्मा जी छू लीजिए भी इसी घड़ी पिता, छू लीजिए पवित्र आत्मा जी पिता, जो रात में नहीं सो पाते, डर लगता है, भय लगता है मेरे स्वामी पिता,
ओ डर भय पिता गंदे से अपने ख्याल पिता जलकर राख हो जाए आपके नाम से पिता। आपने कहा है जब तू लेटेगा तब तू भाई ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। अचानक कहने लगे भाई से ना डरना मेरे पिता, आपने कहा है मेरे पिता। ये वचन पिता के जीवन में सब बुरा फलवंत होने पाए मेरे राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु पिता। पिता अच्छे से मीठी सी इन्हें नींद दीजिए मेरे पिता, इनके चारपाई के पास आपके दूध का बड़ा पान देते हैं यीशु मसीह पिता। मुझे विश्वास से आशा है पिता अपने प्रार्थना को सुना है पिता और वैसा ही कर दिया है मेरे स्वामी। इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी पिता। पिता अपने आप को आपके लहू में कवर करते हैं मेरे स्वामी पिता। छोटी सी विनती आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा, आमीन।